डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सुबह का नाश्ता यानी डायबिटिक ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, इसमें क्या क्या खाया जा सकता है, क्योंकि डायबिटीज में क्या खाना चाहिए, डायबिटीज में क्या नहीं खाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहली चीज जो आप अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं वो है आपके ओट्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कभी भी इंस्टेंट कुक या फिर जो फटाफट कुक्ड बन जाए या फिर जो फ्लेवर्ड वाले ओट्स होते हैं उनका यूज तो बिल्कुल नहीं करना। आप सादा ओट्स पकाकर खा सकते हैं और वो भी उनमें ज्यादा से ज्यादा हरी साग सब्जियां मिलाकर खाएं। ऐसा करने से आपकी जो दिन भर ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में रहने लगेगी और आपको एक हेल्दी डिश भी मिल जाएगी खाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने दूसरे ब्रेकफास्ट के बारे में, तो वो है चीला। आप बेसन का चीला भी यूज कर सकते हैं या फिर आप मूंग की दाल का चीला भी यूज कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बेसन यानी जो चना होता है और जो मूंग होती है, इन दोनों का ग्लाइसेमिक लोड कम ही होता है, यानी इन्हें खाने से आपकी जो शुगर है वो एकदम नॉर्मल रेंज में रहेगी। लेकिन चीले में भी आप हरी साग सब्जियां ज्यादा से ज्यादा डालकर ही पकाएं। एक सावधानी और, जो भी मैं यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट बता रहा हूँ, ये सारे के सारे ब्रेकफास्ट एक ही दिन आपको शामिल नहीं करने। आप अलग अलग दिन अलग अलग ब्रेकफास्ट अपनी डायबिटिक डाइट में शामिल कीजिए। ऐसा करने से आपको स्वाद भी मिलेगा, सेहत भी मिलेगी और आपकी जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल रेंज में रहेगी, डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने तीसरे ब्रेकफास्ट के बारे में, तो वो है साउथ इंडिया की एक बहुत ही प्रसिद्ध डिश, उसका नाम है इडली। आप दाल की इडली बनाकर अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको प्रोटीन्स की भी भरपाई हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी दिन भर जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में रहेगी, नॉर्मल रेंज में रहेगी और आपका पेट भी भरा भरा सा महसूस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अपनी चौथे ब्रेकफास्ट या चौथी डिश के बारे में, तो वो है आपके स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन भी डायबिटिक पेशेंट का भी शुगर नॉर्मल रेंज में चल रहा है वही अपनी डायबिटिक डाइट प्लान में पीछे की तीन चीजों को ऐड करें। अगर आपका शुगर लेवल अभी नॉर्मल रेंज से ज्यादा चल रहा है या हाई चल रहा है तो आप जरूर अंकुरित अनाज खाएं। अंकुरित अनाज के रूप में आप मूंग को स्प्राउट करके खा सकते हैं या मेथी दाना को स्प्राउट करके खा सकते हैं या फिर अल्फा अल्फा सीड्स को स्प्राउट करके खा सकते हैं। इनमें फाइबर की बहुत ही अच्छी मात्रा होती है जिन्हें खाने के बाद ये धीरे धीरे आपके शरीर में रिलीज होते हैं, आपके ब्लड में रिलीज होते हैं, जिसके कारण ये शुगर को बहुत ही अच्छे ढंग से कंट्रोल करते हैं, आपकी दिन भर शुगर को नॉर्मल रेंज में रखते हैं। एक बात और, इनमें फाइबर होने से ये आपकी आंतों को बहुत अच्छे से साफ करते हैं। तो जिन भी डायबिटिक पेशेंट को पेट की प्रॉब्लम हो या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो उन्हें तो अंकुरित अनाज जरूर खाना चाहिए। आप अंकुरित अनाज में प्याज, टमाटर, मिर्च वगैरह काटकर उसकी अच्छी सी चटपटी चाट बनाकर या झालमुड़ी वगैरह बनाकर उसे आप खाइए, लेकिन टेस्टी बनाकर ही खाइए, रूखा सूखा ना खाएं। अंत में यही बात कि आप अलग अलग दिन अलग अलग ब्रेकफास्ट खाते रहिए, स्वाद लेते रहिए और अपनी सेहत को भी मेंटेन रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।